हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राधे गुप्ता ब्लॉग। स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों कैसे आप, जल्दी जल्दी बताइए आप कैसे हो। बहुत अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। और आप सब घर में ही हो, अभी तो होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोविड और जो तीसरा वेव आया है उसमें भी ज़्यादा केसेस आने लगे हैं। और काफ़ी करके तो अब तो 3 लाख से समथिंग आने लगा है इंडिया में, और काफ़ी दिक्कत हो गया स्टूडेंट के पढ़ने के लिए। बट क्या करें, अब हर इंसान को यही समस्या है, और स्टूडेंट की कि जब भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश होता है किसी को तो बीच में ड्रॉप हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आपके हेल्पफुल के लिए मैं अपने चैनल से आपको बहुत हेल्प करने वाला हूँ। बस आप मेरे चैनल पर जुड़े रहे और लास्ट तक कोई भी वीडियो देखें। बाकी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ जितने वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये सिलेबस एक्ट यूनिट 2 के आज मैं लेक्चर नंबर 24 लेकर आया हूँ, और इसमें मैं यूनिट 2 भी आपको ख़त्म करा दूँगा। फिर वहाँ से आपको बचेगा दो यूनिट बचेगा। उसमें आपको कितने कितने टाइम लगेगा ये यूनिट ख़त्म करने के बाद, अब मैं यूनिट 3 पाऊँगा वहाँ पर बताऊँगा ये कितने लेक्चर में आपको ख़त्म कराऊँगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो को मैं जो ये वीडियो पहले डाला था लेक्चर नंबर 23 जेनेटिक, वहाँ पर आपको कुछ समस्या है तो आप कमेंट जरूर करें। और मेरा जो लिंक फेसबुक के और इंस्टाग्राम के हर में आपको मैं बताता रहता हूँ, किसी किसी वीडियो में लिंक डालना मैं भूल जाता हूँ। काफ़ी रफ्तार होता है कि मेरे को और भी खुद को पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए दोस्तों मैं भूल जाता हूँ। तो उसके लिए आपको अगर दूसरे चैनल से आपको मिल जाएगा फेसबुक आईडी, और उसके बाद मैं इंस्टाग्राम के लिए जहाँ पर क्लिक करके आप फॉलो और फेसबुक से मैं रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपको नहीं पता फिर भी मैं स्क्रीन बताता हूँ। फेसबुक आईडी मेरा राधे गुप्ता है और इंस्टाग्राम के राधे गुप्ता 185। चलिए दोस्तों, मैं इतना करते हुए मैं आता हूँ टॉपिक पर, जहाँ पर आपने मैं आपको ये पढ़ा दिया था कंडीशन वारंटी यूनिट 2 है। वहाँ पर आपको कुछ खास ऐसे तो था नहीं, कंडीशन के डिफिनेशन पर आए थे, वारंटी क्या होता है, उसके बाद में इम्प्लाइड है, एक्सप्रेस कंडीशन किसको बोलते हैं, उसके अंदर और भी पढ़ाए थे आपको क्या क्या है बता सकते हैं। जहाँ पर मैंने सेल बाई आपको कंडीशन है तो टाइटल पढ़ाया होगा, उसके बाद में आपको सेल बाई डिस्क्रिप्शन साथ पढ़ाया, उसके बाद में मैंने नहीं पढ़ाए थे वहाँ से आपको। आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो आपको आज ख़त्म करा दूंगा यूनिट 2, और जो बचेगा यूनिट 3 और यूनिट 4 वो अगले लेक्चर में देखते हैं कैसे बड़ा टॉपिक है कितने में होगा वो बताते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप निकालिए कॉपी और पेन, साथ साथ में ICAI के स्टडी मटेरियल, और वहाँ से आप स्टार्ट करिए जहाँ से मैंने छोड़ रखा था। जल्दी जल्दी निकाल लीजिए सेल बाय सैंपल निकालिए, और वहाँ से आपको मैं स्टार्ट कराऊँगा। और एक भी चीज़ मत स्किप करना यहाँ से, ताकि आपको कुछ भी ना समझ आए बाद में, चले आप तो कुछ पढ़ाए नहीं, ये वाला आपको शब्द नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखते सही से लास्ट तक तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे भी आपको थोड़ा बहुत बच्चे बोलते हैं कि ये हार्ड है हार्ड है, बट काफ़ी हार्ड हार्ड बोलने वाले, अब पढ़ेगा नहीं तो हार्ड तो लगेगा ही। कोई भी चीज़ का अगर आप नहीं पढ़ रहे तो हार्ड है, इसलिए फोकस करें अपने पढ़ाई पर और प्रोविज़न के साथ। आपको मैं बेहतर एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल के साथ उसके बाद में सारे समझ आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना बात किए चलते हैं अपने PDF पर, जहाँ से आपको लाभ उठने वाला है, सेल बाई सेल पर इंटू ख़त्म होने वाला है। और बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, और देखते रहिए राधे गुप्ता चैनल्स। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं आपको जहाँ से छुड़वाए थे वहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ से आपको मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 आपको क्या डिफाइन करता है, सेल बाय सैंपल क्या होता है, सेल बाय सैंपल क्या होता है। तो दोस्तों आपको तो एग्जांपल पहले चाहिए, ये तो फिर आपको प्रोविजन समझ आते हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल ही पढ़ाऊंगा पहले, फिर उसके बाद प्रोविज़न जाएगा। बट थोड़ा प्रोविज़न भी आप एक बार रीडिंग तो कर लें तो थोड़ा सही रहता है और दिमाग में भी रहता है कुछ वर्ड। तो आइए दोस्तों पढ़िए।
इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाई सैंपल देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द बल्क सेल कॉरस्पॉन्ड विद सैंपलिंग क्वालिटी। तो अब दूसरी पॉइंट पे देखिए, बी नंबर पॉइंट पे देखिए, द बायर सेल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद अ सैंपल। एग्जाम्पल नंबर 8 पे है दोस्तों, एग्जाम तो कुछ नहीं समझोगे, बस आपको रीडिंग करवाएं। नीचे एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, वहाँ से आप समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहते हैं दोस्तों, इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल ऑफ टू पार्सल्स ऑफ वेट, वेट मतलब क्या होता है, गेहूँ। ये तो सिंपल बात है दोस्तों, द सेलर्स अलाउ द बायर एन इंस्पेक्शन ऑफ द स्मॉलर पार्सल बट नॉट ऑफ द लार्जर पार्सल्स। इट वॉज हेल्ड दैट द बायर वॉज इंटेंडेड टू रिफ्यूज टू टेक द पार्सल ऑफ। एक दोस्तों बात बताइए, आप दुकान में जाते हो, बिल्कुल जाते हो, वहाँ पर आप जाते तो कभी काल आपके साथ भी ये घटना हो तो हो जाएगा, बोलते काफ़ी भीड़ लगे हुए थे या किसी चीज़ में बिजी रहते हैं, वहाँ पर आप बोलते भैया मेरे को ये वाला आटे दे दो। कौन सा वाला? मान लो हर एक ब्रांड के आते, कंपनी के आते, आपने बोल दिया अब मैं भी, अब ये देसी भी एक होता है और इधर जो मिक्सिंग वाला भी होता है, तो आपने बोल दिया मेरे को देसी चाहिए। मान लो एक एग्जांपल के तरह ले रहा हूँ आपको, मैं देसी गेहूँ लेंगे, वहाँ पर आपको पार्सल कर दिया क्या मिक्सिंग वाला, क्या आप ले पाओगे? क्या आप ले पाओगे? हाँ ले लूँ, अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, रिफ्यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल रिफ्यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं, इसमें कोई डाउट है नहीं। सी पर आइए पॉइंट, सी पर आइए पॉइंट, द गुड सेल फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम और मैनकेंटेबल व्हिच वुड नॉट बी अपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल, तो आगे तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं आपको बहुत इस तरह के समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, आप एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, यहाँ पर नंबर 10 तो 9 क्या है, अ कंपनी सोल शर्ट एंड शूज मेड ऑफ स्पेशल सोल बाय सैंपल ऑफ द फ्रेंच आर्मी। द शूज वेर फाउंड टू कंटेन पेपर नॉट डिस्कवरेबल बाय ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन हेल्ड द बायर वॉज इंटाइटल टू द रिफंड ऑफ द प्राइस प्लस डैमेज। रिफंड ऑफ द प्राइस प्लस डैमेज क्या होता है दोस्तों, इसमें बताओ दोस्तों, इसमें केस में क्या बताया है, आप 10 सेकंड देखिए, आप समझिए फिर मैं समझाता हूँ आपको, 10 सेकंड आपको लिए मैं देख रहा हूँ, क्या आप समझ पाते हो या नहीं, क्या आप समझ पाते हो या नहीं। चलिए दोस्तों मैं बता दूँ आपको, देखो ये इसमें ये हुआ था कि आप मान लो आर्मी के जूते बनाने के लिए था, वहाँ पर जिस नीचे सोल होता है, क्या होता है नीचे जो लगता है उस सोल, जो जैसे जूता पहनते हैं तो ऊपर क्या होता है कपड़े का होता है और नीचे जो उसको लगा होता है उसको क्या होता है सोल बोलते हैं। तो वहाँ पर उसने आर्मी है तो उसको तो जूत आप उसका बूट देखे होंगे कितना मोटा और भारी होता है बहुत, तो उसने क्या किया पेपर से उसको बना दिया था, बट इसको तो उस चाहिए था नहीं, तो वहाँ पर क्या कर सकता है रिफ्यूज प्राइस भी उसको रिफंड करना पड़ेगा और डैमेज क्लेम कर सकते, क्योंकि अगर मान लो युद्ध हो रहा है वहाँ पर आपको तो डिसमिस होगा तो आपका जान क्यों खतरा होगा, इसलिए डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं। तो आइए सेक्शन नंबर 15 पर आइए, सेल बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, बताइए दोस्तों क्या बताया इसमें, पहले चलिए थोड़ा सा प्रोविजन पढ़ते, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल बाय डिस्क्रिप्शन इन द इम्प्लाइड कंडीशन इज दैट द बल्क ऑफ द गुड सप्लाई सेल कॉरस्पॉन्ड बोथ विद द सैंपल एंड द डिस्क्रिप्शन, इन द केस द गुड कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल बट डू नॉट टोटली ड्यू डिस्क्रिप्शन और वाइस वर्स, और बोथ द बायर कैन रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट।
बायर कैन रिप्यूडेट द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए दोस्तों क्या क्या है इसमें बताइए। तो आप चलिए पहले एग्जांपल ही आपको बताते हैं। टेंथ नंबर एग्जांपल पाइए दोस्तों, टेंथ नंबर एग्जांपल पाइए क्या कहते हैं। ए एग्री विथ बी टू सेल सर्टेन ऑयल डिस्क्राइब एज रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल वारंटेड ओनली इक्वल टू सैंपल। इसने ए ने एग्री हुआ बी के साथ, इसने बोला कि मेरे को सनफ्लावर वाला ऑयल चाहिए रिफाइंड, जो सनफ्लावर कहते हैं वो मेरे को चाहिए। द गुड स्टैंडर्ड वेर इक्वल टू सैंपल बट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल। और उसने क्या कर दिया भाई ने, उसने तो मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल कर लेकर वहाँ उसके पास चला गया। तो बी कैन रिजेक्ट द गुड्स, वाह बस आंसर यही है, मेरे को तो चाहिए था भाई रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, इसने अपने ये क्या लेकर आया। तो वहाँ पर आप गुड्स क्या कर सकते, रिजेक्ट कर सकते। वही बात आपको सेक्शन नंबर 15 में बताया गया था। सेक्शन नंबर 15 में आपको यही बताया गया है कि सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में क्या कहना चाहते हैं कि आपको अगर इस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि जिस चीज़ के और वो चीज़ आपको नहीं डिलीवर हो रहा है तो वहाँ पर आप कर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। आइए कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस सेक्शन 16(1) सेक्शन 60 क्लॉज 1 क्या कहते हैं दोस्तों। सेक्शन 60 क्लॉज 1 क्या कहते हैं आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहले प्रोविज़न आपको थोड़ा पढ़ा देता हूँ। देखिए जो ऊपर देख रहा है ना आपको मैं थोड़ा पढ़ा के फिर ये जो ए बी सी पर ये पढ़ा दूँगा बस काम खत्म हो जाएगा। ये जो बीच में के वर्ड दे रखा है उतना खास इसमें है नहीं। चलिए दोस्तों ऊपर देखिए, ordinarily there is no implied condition as to the quality or fitness of the goods sold for any particular purpose. A B C point पहले पढ़िए, the buyer should have made known to the sellers the particular purpose for which goods are required. B number point क्या लगेगा, the buyer should rely on the skill and judgment of the seller. third point, the goods must be of a description dealt in by the sellers whether he be a manufacturer or not. तो एग्जाम्पल नंबर 11th पर आइए, एग्जाम्पल नंबर 11th पर आइए और 12th पर आइए, वहाँ से आपको समझाऊँगा सही से। एग्जाम्पल नंबर 11th और 12th देखिए, अबाउट अ सेट ऑफ फल्स टीथ फ्रॉम बी ए डेंटिस्ट बट सेट वॉज अ नॉट फिट फॉर अ माउथ ए रिजेक्ट द सेट ऑफ टीथ एंड क्लेम फॉर द आइटम ऑफ द रिफंड ऑफ द प्राइस। यहाँ तक के बात समझिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें देखिए दोस्तों ये कहा गया है कि उसका दांत क्या हुआ था, दांत लगवाना था, ये पहले सोचिए, दांत उसको लगवाना था और उसने बोला कि ये जो थोड़ा बाहर निकल रहा है ना इसको आपको फिट करना है और उसने दूसरे दांत लगाया और वो फिट नहीं हुआ। गांव में जा रहा है तो वो कोई हंस रहा है, और ऐसे मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ से आपको अच्छी तरह समझ आने वाले हैं। तो उसने वो हंस रहा है, वो हंस रहा है, बोला कि डॉक्टर साहब ये आपने सही नहीं कर रखा, ये फिट नहीं है, मेरे गाँव में सब देख रहे हैं। तो वहाँ पर आप वो क्या कर सकते हैं, प्राइस रिफंड क्लेम डैमेज कर सकते हैं। देखिए इफ अल्डर ए वॉज इंटेंडेड टू डू सो एज द ओनली पर्पज ऑफ हुई चीज वॉन्टेड द सेट ऑफ टीथ वॉज नॉट फुलफिल। ये रहा आपको कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, मीन्स क्वालिटी और फिटनेस क्या हुआ था, ये कंडीशन जो बताया वो नहीं किया था, वहाँ पर तो क्या करेंगे रिफंड प्राइस और डैमेज क्लेम। एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व पाइए दोस्तों क्या कहते हैं। अवेंट टू बी शॉप एंड आस्क फॉर अ मैरिज स्विंग मशीन, सिंगमन के मतलब सीते हैं, बी गेम और दे सेम एंड अपेयर द प्राइस एयर लाइन ऑन द ट्रेड ऑन द मशीन रदर दैन स्किल। देखिए दोस्तों ये आप समझिए क्वालिटी और फिटनेस में क्या होता है, सीधा सीधा एग्जांपल आपको कॉमन एग्जांपल सीधा बता दिया मैंने कि आपने कहा कि मेरे को ये पर्पज़ के लिए आप, मैं तो यही पर्पज़ के लिए कि मेरे कोई ना हंसे अपने दांत लगवाए और सही से सब कहे कि हाँ अच्छा लगे, वहाँ पर अब कमेंट आ रहे हैं गलत कमेंट है, तो क्या आपको तो वो पर्पज़ के लिए तो नहीं करे थे, तो वहाँ पर क्या करेंगे रिफंड प्राइस करेंगे डैमेज क्लेम करेंगे। आइए दोस्तों आप
दोस्तों आइए आप 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इम्प्लाइड कंडीशन के, इम्प्लाइड कंडीशन के लास्ट पॉइंट है कंडीशन एस टू मर्केंटेबिलिटी। सॉरी एक और हो सकता है, कंडीशन एस टू मर्केंटेबिलिटी क्या कहते हैं। प्रपोजल व्हेन गुड्स आर बाउट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी मर्केंटेबल क्वालिटी। दो पॉइंट पर ये पहले नीचे दे रखा है रिक्वायरमेंट में, गुड्स शुड बी बाउट बाय डिस्क्रिप्शन, बी पॉइंट है द सेलर शुड बी अ डीलर इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ अब आइए आप एग्जाम्पल पर, 13 और 14, एग्जाम्पल नंबर 13 और 14। 13 पर दोस्तों, इफ अ पर्सन ऑर्डर्स मोटर हॉर्न्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हॉर्न्स, द हॉर्न्स सप्लाइड आर स्ट्रक्चर एंड डैमेज ओइंग टू बैड पैकिंग इज इंटेंडेड टू रिजेक्ट देम। अब देखिए आपने किस पर्पस के लिए कहा था कि मेरे को ये पैक कर देना जो हॉर्न बजाते हैं, वहाँ पर क्या हुआ था स्क्रेच वाला, मतलब स्क्रेच लग। अब मान लो आप जा रहे हैं शीशे लगवाने, जो मिरर होता है ना दो मोटरसाइकिल के दोनों साइड में, आप वो लगवाने जा रहे हैं तो आपने पैक कर दिया वहाँ पर स्क्रेच कर दिया, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप अपने ख़राब पैक करेगा डैमेज क्लेम कर लेंगे और क्या होगा, बस गुड रिजेक्ट कर डैमेज क्लेम करिए, बस वही हुआ आपको। एग्जाम्पल नंबर 14 में देखिए, अब बाउट ब्लैक वेलवेट क्लॉथ फ्रॉम सी एंड फाउंड इट टू बी डैमेज बाय व्हाट एंड सेल। आपने गया, आपने बोला था कि मेरे को वाइट शॉर्ट चाहिए, वाइट चाहिए वाइट, एक हिसाब से अपन कमन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 40 के हिसाब से नहीं, फिर अपना खुद से नेम भी पढ़ना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि मान लो आप गए और आपको चाहिए था वाइट शॉर्ट, आपको चाहिए था वाइट शॉर्ट और उसने क्या कर दिया ब्लैक शॉर्ट, क्या कर दिया ब्लैक शॉर्ट, तो क्या आप आपके लिए सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। और वहाँ पर भी क्या था, कुछ फट जाते मतलब फटा उठा था, तो आप क्या कर सकते हो भाई, रिजेक्ट कर सकते हो, डैमेज क्लेम कर सकते हैं। तो आइए 18 पॉइंट पर, कंडीशन एज टू होल्सो मैंस, होल्सो मैंस क्या हो, अब इन केस ऑफ स्टेबल ऑफ प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, देर इज एन अदर इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल बी होल्सोम होल्सोम। एग्जाम्पल नंबर 50 पर आइए, एग्जाम्पल नंबर 50 पर आइए, ए सप्लाई एफ विथ मिल्क, द मिल्क कंटेंट टाइप हाइड्रोजन, ओके एफ वाई कंज्यूम द मिल्क एंड वेयर इन फैक्टर डाइट। देखिए दोस्तों, ए ने सप्लाई किया एफ को और मिल्क काफ़ी टाइप हाइड, मतलब एक आप पहले वाले दूध देखेंगे तो अलग ही था, अभी के दूध देखेंगे तो बहुत डिफरेंट आते हैं। तो यफ के जो वाइफ था ना, उसने दूध खाया और इन्फेक्शन पर के मर गया, हेल्थ द बेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू फिटनेस एंड वॉज लेवल टू पे द डैमेज, क्या करेंगे मर गया तो डैमेज तो पे करना क्लेम करेगा, इसको पे करना पड़ेगा और तो कुछ होने वाला है नहीं, तो आपको ये कंडीशन एज टू होल्स मेंस में आपको बताया जाता है। वही दोस्तों इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी पर आइए, इम्प्लाइड वारंटी किसे कहते हैं, जो वारंटी दे रखा है मतलब बताया नहीं कि, बट आपको पता होना चाहिए ये इम्प्लाइड वारंटी है, कहा नहीं जाता है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये इतने साल के या इतने महीने का है वारंटी है। तो चलिए ये क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें चार चीज़ पढ़ना पड़ेगा, एक वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूशन पोसेसन, दूसरी पॉइंट आई है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकोबरेंस, तीसरा पॉइंट है वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड। ये चार पॉइंट पर, ये चार पॉइंट पर, ये सेक्शन 14 के बी, सेक्शन 14 है एक क्या आप डिफाइन किया जाएगा, आपको पता है कंडीशन एज टू टाइटल 14 के बी आपको डिफाइन कर दो वारंटी एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजेशन, पहले प्रोविजन पर थोड़ा सा, एन इम्प्लाइड वारंटी डेट द बायर शैल हैव एंजॉय क्विट पोजेशन ऑफ द गुड्स, डेट इज टू से इफ द बायर हैविंग गॉड पोजेशन ऑफ द गुड्स इज लेटर्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब इन हिज पोजेशन इज इंटाइटेड टू सेव द सेलर्स फॉर द ब्रीच ऑफ द वारंटी, ब्रीच ऑफ द वारंटी। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 16 पर देखिए, एक्स बाय ए लैपटॉप फ्रॉम वाई आफ्टर द परचेस, एक्स ने बाई किया किससे, वाई से लैपटॉप आफ्टर द परचेज, ठीक है। एक्स स्पेंड सम मनी ऑन इट्स रिपेयर एंड यूज इट फॉर सम टाइम, और ऑन द पार्टी इट टर्न्स ऑन डैट द लैपटॉप वाज स्टोलन एंड वाज टेकन फ्रॉम एक्स एंड डिलीवरी टू राइटफुली ओनर, वाई शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ब्रीच एंड एक्स। देखिए क्या हुआ था कि ऑनर पार्टी, मतलब मेरे को ये पता नहीं कि ये था, तो क्या हुआ था कि जो लैपटॉप था वो किस, मतलब चोरा हुआ लैपटॉप था, सेकेंड हैंड एक्स नहीं बोल सकते, जो जो मतलब चोरा के लिया था वो वाला लैपटॉप था, और उसने डिलीवर क्या कर दिया था वाई को, उसका राइटफुल ऑनर मतलब आ गया था, तो वहाँ पर क्या करेगा, वाई सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिज, वहाँ पर कंट्रैक्ट ब्रिज करेगा आपको, उसके बाद में डैमेज क्लेम करेगा। तो ये रहा वारंटी एज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ये आपको इंप्लाइड वारंटी के जो चार पॉइंट है ना, बस आपको हाईलाइट के पॉइंट याद करना बहुत ज़रूरी है, आपको हाईलाइट के पॉइंट याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको देखने मिला वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, जो सेक्शन 14 के सी में आपको डिफाइन करता है, इसमें आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। पहले प्रोविजन पढ़िए, एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर और नाउ नॉन टू द बायर बिफोर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर इनटू। तो आप एग्जाम्पल नंबर 17 पर, एग्जाम्पल नंबर 17 पर आइए और अच्छे से समझिए। आप प्लेज इसका फॉर लोन कितने 15,000, प्रोमिस इज गिव टू पोजेशन ऑफ द नेक्स्ट ए देन द सेलर कैम डिटेड टू बी टी, ओके वो परचेज इन गुड फेथ विदाउट नोइंग द फैक्ट, बी मे आइदर आस्क ए टू क्लियर द लोन और हिमसेल्फ मे पे द मनी एंड देम फाइल अ सूट अगेंस्ट ए फॉर रिकवरी ऑफ द मनी विथ इंटरेस्ट। बट इसमें खास अब कुछ था ही नहीं, सबको नहीं समझ आया होगा, ओके। 3.2 वारंटीज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड है, उसका डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड, ये चार पॉइंट आपको हाईलाइट में कम से कम याद होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको चार पॉइंट हाईलाइट में याद होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों आइए अगला पॉइंट आपका है कैबिट इम्पिटर किसको बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ क्या, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड द डायरेक्टर कैबिट इम्पिटर, कैबिट इम्पिटर लेट द बायर बी अवेयर, ये सेक्शन 16 डिफाइन करता है दोस्तों। ये आपको नीचे ये आपको यहाँ से द रूल ऑफ कैबिट इम्पिटर ऐसे कुछ देख रहा होगा। चलिए दोस्तों यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, सेक्शन 16 डिफाइन करता हूँ, यहाँ से आपको पढ़ने के स्टार्ट मैं करूँगा। चलिए दोस्तों आइए पढ़े साथ में। द रूल ऑफ कैबिट इम्पिटर इज ले डाउन इन द सेक्शन 60 व्हिच स्टेट दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ द टाइम बिगिन फॉर देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी कंडीशन एज अ क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड सप्लाई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये आपको हो गया प्रोविजन, फॉलोइंग अदर कंडीशन टू सेल, ये तीन चीज़ें देखिए। इफ द बायर हैड मेड नॉन टू द सेलर्स द पर्पज ऑफ हिज परचेज एंड द बायर रिलाइड ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट एंड सेलर बिजनेस टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, ये वो आपको सेक्शन 60 आपको डिफाइन करता है कैबिट इम्पिटर किसको कहते हैं। तो आइए इस एग्जाम्पल 1890 से जानते हैं और इसके बाद में आपको एक्सेप्शन आएगा, उसके बाद में मेरा ये यूनिट्स ख़त्म हो जाएगा, ये यूनिट्स क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 18 पर, ए सोल पिक्स टू बी दिस पिक्स बी इन्फेक्टेड कोस्ट आई फाट और अदर हेल्दी पिक्स ऑफ द बायर, तो इट वॉज हेल्ड द सेलर वॉज नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज द पिग और द अनहेल्दी द रूल ऑफ द, क्या बोलते हैं दोस्तों कि आपको जब पिक्स मतलब शुगर, देखिए आप अगर खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसने तो जब बेचा था तो हेल्दी था सब कुछ सही था, बाद में आपको पता चला कि ये टाइप आ रही है, ये तो आपको पहले ही पता करना चाहिए था, ये तो वो भी उसको भी तो पता नहीं था कि उसको टाइप आ लगेगी और इन्फेक्टेड या कुछ भी मर गया, तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये रूल कौन कहते हैं कैविटी इम्पिटर से आते हैं,
यहाँ पर हम 90 भी देख सकते हैं। अ परचेज द हॉर्स फ्रॉम बी ए नीड द हॉर्स फॉर राइडिंग बट डी नॉट मेंशन द फैक्ट टू बी द हॉर्स इज नॉट सुटेबल राइडिंग बट सुटेबल ओनली फॉर ड्राइविंग इन द कैरिज। आपने ये तो कहा था कि मेरे को चाहिए था, ये नहीं कहा था, ये तो आपने बस परचेज कर लिया और आपको जरूरत था मेरे को राइडिंग वाला चाहिए, बस खरीद लिया किस क्या वाला कैरेज वाला, जो बस भारी बो के चलता रहते वो वाला आपको खरीद आएगा। तो वहाँ पर क्या आप क्या कर सकते हैं, तो कैमिटेबल इम्प्लाइज हेयर एंड सो ए कैन नाइदर रिजेक्ट द हॉर्स नॉर क्लेम कैमसी पर, क्योंकि जब आप जिस टाइम में परचेज उसी टाइम में आपको पूछना चाहिए था कि मेरे को ये वाला चाहिए था आपके पास है या नहीं है, आपने जो सीधे ले लिया तो उसका कोई गलती नहीं है, ये आपको कैविटी इंटर कहते हैं। एक्सेप्शन में ये एक्सेप्शन आपको बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर कैविटी इंटर की एक्सेप्शन क्या है, पहले फिटनेस एज टू क्वालिटी और एज, उसके बाद में सेकेंड वाला पढ़िए दोस्तों, सेकेंड वाला पढ़िए दोस्तों, गुड्स ये आपको प्रीस्ट भर्स लास्ट जो केस स्टडी दे रखे हैं ये आपको थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, पी ड्रेपर परचेज अ हॉट वाटर बोतल फ्रॉम अ रिटेल केमिस्ट, पी एक्स द केमिस्ट इफ इट वुड स्टैंड बॉइलिंग वाटर द केमिस्ट टोल्ड हिम। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ वहाँ पर नहीं हो रखा है यहाँ पर क्या कर होगा, बोतल वाज मीन्ट अ होल्ड हॉट वाटर, ओके द बोतल वस्ट वेन हॉट वाटर वाज पॉर्ड इन टू द इंजर्ड हिज वाइफ इट वाज हेल्ड एट द केमिस्ट एल बी लेवल टू पेड। अब देखिए वो क्या हुआ था, फूट गया था, पॉर्ड हो गया और उसका वाइफ क्या हो गया, इंजर्ड हो गए, तो क्या वहाँ पर लेवल रहेगा। तो ये आप समझिए ये प्रिस्ट वर्स लास्ट मीन्स जो कॉम्पिटिटिव में कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं ना, रिफंड हो सकता है कुछ भी, तो यहाँ पर क्या होगा होगा, ये समझिए। अब दूसरी पॉइंट है गुड परचेज अंडर पेटेंट और ट्रेड नेम, तीसरा का पॉइंट गुड सोल्स बाय डिस्क्रिप्शन है, फोर्थ पॉइंट देखिए गुड्स ऑफ मार्केटेबल क्वांटिटी, ये सब आपको समझाई दिया था बट इसके एक्सेप्शन में आते हैं तो ये आपको ऊपर के हेडिंग याद करना जरूरी है। फिफ्थ में सेल बाय सैंपल्स, सिक्स में गुड्स बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, सेवन्थ में ट्रेड यूजेज और आठ मां नंबर में सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। ये रहा आपको डॉक्टर कैमटे और यहाँ से आप देखते हैं समरी दे रखा है, मीन्स मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया और अब अगले लेक्चर्स में आपको मिलूँगा मैं लेक्चर नंबर 25 जहाँ पर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ नया यूनिट, और आपको जल्दी इसलिए पढ़ाना पड़ेगा कि आगे और भी चैप्टर पढ़ाना है और फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताना है। तो इसी वीडियो को मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ, अगले लेक्चर के लिए आप जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुँच पाए, वहाँ से आप जल्दी से देख पाओगे। टाटा बाय बाय।